मेरा नाम फजल है और आज अजीबों की बातें में फिर से हमारे साथ प्रोफेसर मिकाइल। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे? सही है। सही है। तो आज हम लोग ने बिल्कुल यूनिक टॉपिक चुना है, जैसे हम चुनते हैं फेक न्यूज। व्हाट आर फेक न्यूज और उनसे हम अपने आप को कैसे आगाह कर सकते हैं और स्टे प्रोटेक्टेड। तो प्रोफेसर मिकाइल, व्हाट आर फेक न्यूज इन योर माइंड? और कोई एग्जाम्पल हो तो शेयर करें। फेक न्यूज़ इज फेक न्यूज़, जैसे रियल न्यूज़ होती है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, द वायरस दैट इज गोइंग ऑन, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से क्या फेक न्यूज है? चलो रियल न्यूज़ बोलो ना, कि रियल न्यूज़ है ग्लोबल वार्मिंग और ये वायरस है, तो लोग अगर कहेंगे कि ये फेक है तो ये फेक न्यूज़ होगी। जैसे अगर बंदे ने कहा भाई पानी के अंदर आप अमरूद को ना दबाए बहुत ज्यादा और फिर ना उसको निचोड़े, उसका जूस निकलेगा ना, उसको पानी के साथ डालें, उसके अंदर ना काली नमक डालें और बस उसको सूंघे, अब आप सही हो जाएंगे। ऐसी चीजें जैसे जेम स्टोन के लोग कहते हैं जैसे हाँ यहाँ पे रखो बेटा, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, अल्लाह हम लोग को सही कर दो। कहेंगे हाँ, जैसे बुढ़े होते हैं ना, क्या कहेंगे हम लोग, जो बुद्धिस्ट होते हैं वो कह देंगे बुद्ध को कि हम लोग को अल्लाह से कनेक्ट करो, वैसे लोग कह रहे होंगे जेम स्टोन से कनेक्ट करो, वो भी फेक है। वो एक साइंस के अंदर एक बेसिक नेम है, उसके लिए है प्लेसिबो इफेक्ट। अगर एक साइंटिस्ट आपको एक दवाई देगा, कहेगा इससे यह असर होता है, आप साइंटिस्ट को ट्रस्ट करेंगे क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, फेक न्यूज़ ज़्यादा नहीं है जो कहते हैं ये वायरस नहीं है, ये असली नहीं है, ये सही नहीं है। तो अगर आप असली में मानेंगे जो बात बोल रहे हैं वो कि मानेंगे कि अगर ये काम नहीं करा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे इतना मानेंगे उनको, और फिर वो फेक दवाई जिसके कुछ भी असर नहीं है वो खाएंगे, जो बस बेसिकली गायब हो जाती है आपके सिस्टम के अंदर, वो जो उसके से सिम्टम्स हैं जो आप अच्छी चीज रहे हैं उसके लिए वो आपको होंगी, फिर भी आपका माइंड, वो आपका माइंड कह रहा होगा ये क्यों नहीं हो रहा, हम लोग खुद ही कर देते, अगर माइंड खुद ही कर देगा। फिर ऐसे अगर जैसे टारगेटेड थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, वो ज्यादा कुछ करती नहीं है। यानी जो हमें व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन आती रहती हाँ है। वो भी प्राइवेट नहीं है, अब नई नई पॉलिसी आई थी ना व्हाट्सएप में, तो वो फेक न्यूज नहीं है कि इस व्हाट्सएप को छोड़ दें। बहुत ज्यादा डिफरेंट ऐप्स हैं, जैसे सिग्नल है और टेलीग्राम है, उसको यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप अब तो बेकार हो गया, फेसबुक ने अपना सब कुछ, आप अगर आपके पास फेसबुक फेसबुक अकाउंट है ना, और आप व्हाट्सएप में डेली का चीजें करते हैं, बिजनेस जो भी, आपका सारा डेटा फेसबुक के पास जाएगा, फेसबुक अपने वो कॉर्पोरेट ओवरलॉर्ड से देगा कि हाँ भाई ये ले लो, हम लोग को अब हम लोग को पैसे दो, हम लोग आपके एड्स डालेंगे, और फिर हमारे अकाउंट के अंदर एड्स रहेगा वो, कि वो हाँ ये हम लोग टारगेट कर रहे हैं, हम लोग टारगेट हो रहे हैं वो व्हाट्सएप और फेसबुक को कम्बाइंड, क्योंकि सारे के सारे हमारे डेटा फेसबुक के पास जा रहे हैं। डिफरेंट कंपनी जैसे ऑक्यूल ऐसा, वो भी इंडिविजुअल कंपनी थी, जैसे व्हाट्सएप थी तो उसको उस फेसबुक ने उसको भी एक्वायर कर दी, और इसी साल में जब व्हाट्सएप को हुआ था तो ये हो गया था। अब ऑक्यूल अकाउंट से आप नहीं सकते लॉग इन, आपको फेसबुक अकाउंट जरूरी है, और अगर आपका फेसबुक अकाउंट वो वेरीफाइड नहीं है ना, तो आपका आपका पूरा हेडशॉट आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लॉक हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि प्रोफेसर मिकाइल ने हमें यूट्यूब एल्गोरिथम वाले पॉडकास्ट में बताया था कि यूट्यूब आपसे दोस्ती करके आपसे डेटा छीन रहे, यूं यूं प्यार प्यार से करके। आराम आराम से आजा बेटा, आज कैंडी खाओगे और फिर आपका हाथ बच्चे का हाथ तक ऐसा भाग जाएगा। अच्छा, तो इसी तरीके से आप कह रहे हैं व्हाट्सएप भी सारे आपका डेटा निकाल रहे, फेसबुक 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 ने अक्वायर कर रहे हैं ना बहुत सारी कंपनीज, वजह से आप जब फेसबुक खोलते हैं हाँ, तो डिफरेंट लोगोज आते हैं ना, बिल्कुल जैसे व्हाट्सएप का आता है, इंस्टाग्राम का आता ऑक्यूलस का आता है, इंस्टाग्राम का आता है, उसकी सारी अक्वायर्ड कंपनीज का आता है, तो वो आपको आपको और वो अगर आप पढ़ते हैं ना कि क्या लिखा हुआ है उसमें, तो व्हाट्सएप में ना लिटरली लिखा वो जब अपडेट आया था ना कि टर्म्स एंड पॉलिसी जब अपडेट हुई थी, तो लिखा हुआ था लिटरली फेसबुक विल टेक योर डेटा, प्राइवेट डेटा, अच्छा नो बडी शुड टेक, वो आपको लेगा, और हमें क्या पता अगर गवर्नमेंट कहेगी फेसबुक हम लोग को तो फेसबुक दे देगा, क्योंकि उनके माइंड से हम लोग बहुत स्मॉल कंपनी है,
हम लोग ग्लोबल टाइम के अंदर नहीं है, जी टाइम के अंदर नहीं है, तो वो हम लोग को फेसबुक छोटा मानेगा क्योंकि हम लोग इंसान तो नहीं मानेगा, हम लोग तो क्योंकि अच्छा जी टेन क्या होता है? जी टेन इज ग्लोबल टॉप टेन ऑफ कंट्रीज। अच्छा ठीक है, तो 10 बड़ी मुल्क हैं। नहीं बड़ी नहीं, नॉट बड़ी, पावरफुल पावरफुल पावर न्यूजीलैंड पाकिस्तान यूरोप में, लेकिन हम लोग हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को व्हाट्सएप नहीं चलाना आता, टेक्स्ट मैसेज नहीं करना आता, हम लोग कहाँ पे जी टाइम में पहुंचेंगे? ऐसे डिफरेंट पार्टीज आई है ना, ऐसे इंसान वाली है और वो डिफरेंट चीजें आ रही हैं जो जी टाइम में करना चाह रही है, उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को दिमाग देना चाह रही है। अच्छा मेरा आपका एक्सपीरियंस दो, बस ये भी सीख लो, ये करो काम। तो फेक न्यूज में वापस आता है कि फेक न्यूज लोग स्प्रेड करते हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा होता है कि असली है। अच्छा जैसे कोई आंटी ने के पास कुछ गंदा एक्सपीरियंस हो गया कंपनी के साथ, कुछ भी गंदा हो गया, मैंने हुआ भी नहीं गंदा, उनको लगा गंदा हो गया, तो अपनी अपना जो सिटी अपना नेबरहुड वाला व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर स्प्रेड करेंगे कि ओ ये हुआ था मेरे साथ, इसको मत करना यार यूज। अच्छा और फिर ये सब कुछ स्प्रेड होएगा फ्रॉम नेबरहुड टू सिटी, सिटी टू कंट्री, फेक न्यूज स्प्रेड। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं तो एक कुरकुरे में बहुत सारे टाइम तक समझ रहा था कि इट इज मेड फॉर प्लास्टिक, तो फेक न्यूज के तहत मेरे स्कूल में गया, ओयूज के सीमेंट होती है यार क्यों खा रहे हो? तो मैंने भी बहन को बताना शुरू किया, अब खाती नहीं है मतलब अच्छो कर, लेकिन होती भी गंदी है वो बिल्कुल। आपको पता है वो जो जो कॉर्न पफ होता है ना, जैसे कुरकुरे है, चीटोज है, सब कुछ हॉर्स फूड से बनता है। वो कॉर्न मील होती है, उसको वो पफ करते हैं लाइक बहुत प्रेशर करके, और फिर वरना कुक करके उसको पानी के साथ बना के बैटर बना के ना, तो वो पहले कंसम्पशन के लिए सेफ नहीं होती थी, अब होती है। अच्छा तो ये फेलियर भी होता है। आप ये मैं बोलेगा कि ये गंदा खाना है, मेरी चीजों को मेरी टॉक्स को ट्विस्टेड मत करिएगा प्लीज। आई डू नॉट एंडोर्स फेक न्यूज। अच्छा तो दूसरी बात यह है कि जो जो आप मुझे समझ रहे हैं ना, वो महबूब आपके कदमों में वाले जो जो मैसेजेस आ रहे हैं तो वो भी फेक न्यूज ही है। जैसे जब अगर आपको बिल गेट्स मैसेज करेगा ना कि मैं मरने वाला हूँ, आपको अपनी सारी जरूरत दूंगा, तो उसका मानिएगा मत प्लीज, फेक न्यूज। स्कैमर्स बहुत होते हैं इस कंट्री में। अच्छा स्कैमर्स क्या होते हैं और आपको मतलब कैसे उनका पता चल सकते हैं? ओके तो फॉर बीटिंग स्कैमर्स यू हैव टू हैव अ माइंड, यू हैव टू हैव कॉमन सेंस। तो माइंड अपने पास एक रखे हैं, माइंड कह रहे हैं कि एक बिलियन है, ठीक है, एक छोटे सा बंदा जैसा हम है, नो हेट, आप छोटे हैं तो छोटे रहें, बड़े हैं तो बड़े रहें, तो आप क्या कहते हैं, तो फिर क्या कह रहे थे स्कैमर्स के बारे में बताते हैं। ये कह रहा था कि एक बिलियन है, आपको अपनी सारी जरूरत नहीं देगा, अच्छा अपने बच्चों को देगा, ठीक है। तो अगर इलॉन मस्क कह रहा है कि मुझे अपने बेटे को पैसे नहीं देना, मुझे आपको पैसे देना और जब मरूंगा, तो उसकी बात मत मानिए, वो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर मांगिए, और फिर आपका क्रेडिट कार्ड नंबर मांगेगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगेगा, और फिर आप डिलॉस हो, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपके सारे वो टैक्स सब कुछ, इंटरनेट सब कुछ खराब हो जाएगा। एवरीथिंग हैज रिस्क, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरी प्लेस इज सेफ। ऐसे अगर आप पब्लिक पार्क के अंदर गए जिसमें जो भी जा सकते हैं, आपकी अम्मी ने आपको एक मिनट के लिए छोड़ी, आपकी अम्मी को क्या पता है एक मिनट में क्या क्या हो सकता है? कोई अंकल आ गए आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, जैसे यूट्यूब देते हैं हम लोग को, तो आपको अपने पास ला रहे हैं, अपने पास ला रहे हैं, फिर आपकी वैन के अंदर लेके जाएंगे, अपनी वैन के अंदर लेके जाएंगे, और फिर निकल गए, अब मेरा बेटा कहाँ है? अच्छा हाँ मेरे बेटे, उसका बेटा कहाँ गायब हो गया? वो क्या स्कैमर उसके बाद अम्मी को कॉल करेगा, हम लोग को पैसे दे रहे हैं, हम लोग आपके बेटे को बच्चे को वापस कर देंगे। सब कुछ अवॉइड हो सकता था अगर अम्मा बच्चे को नहीं छोड़ जाती। तो स्कैमर से सिर्फ यही हल है कि कोशिश करें कि या तो न्यूज आपकी बहुत ही कोई उल्टी पुल्टी होगी, कोई बहुत ही बहुत बड़ी छोड़ी होगी किसी ने। हाँ जैसे एग्जाम्पल देता हूँ,
ट्विटर में एक बहुत सारे हाई ट्विटर अकाउंट्स हैक हो गए थे. अच्छा. डोनाल्ड ट्रंप का हैक हो गया था, इलॉन मस्क, मिस्टर बीस्ट, मिकाइल भाई का, बिल गेट ने मेरा था, बिल गेट, लाइक ग्लोबल से ग्लोबल अकाउंट जो सब लोग एंड्रॉस कर सकते. तो उसमें फिर ट्वीट आई, आप अगर हम लोग को वो डैश अमाउंट इन बिटकॉइन देंगे, हम लोग उसका डबल आपको वापस करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ था कुछ के क्वालिटी में सारी वो जॉब से देंगे, वैसा कुछ ऐसे कुछ पागल बना. तो ये उसमें वो सब लोग को आया, बहुत ज्यादा लोगों ने पैसे कम कराए, और फिर वो हैकर अगर ढूंढे नहीं है शायद, जो मैं पता नहीं कर पा रहा, दो दिन से मेरे पास एक्सेस नहीं इंटरनेट के लिए. तो आज की हम समरी समझ चुके हैं कि सबसे पहले तो स्कैमर से दूर रहें, एहतियात रखें. दूसरा, जो आप फेसबुक पे जाके जिंगर बिंगर जिंगर बर्गर मजाक उड़ा रहे हैं, तो अभी आपको मार्क जकरबर्ग बताएंगे अपनी ताकत वो बताएंगे. तो अपना ख्याल रखें और अपने ऊपर. हाँ, और अपनी कभी भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मत डालें. ठीक है, प्राइवेट. अगर आपने एक चीज भी एक सेकंड के लिए भी ऑनलाइन चला ली ना, कोई सा बॉट आपकी इन्फॉर्मेशन सेव करेगा, अपने आप डिलीट भी करेंगे ना उसी सेकंड के अंदर. अच्छा. बॉट के पास रहेगा, उसके बाद बेहतर इंटरनेट है ना एक्सेस, तो बॉट के पास डेटा रहेगा, बॉट अपने पास सेव करेगा, फिर बॉट अपने ओनर को देगा कि हाँ ये उसने ट्वीट करा था, उसको हैक कर दो. ठीक है, तो बी सेफ और इस मैसेज को स्प्रेड करें. कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं. तो इंशाल्लाह अगली बार कल ही और बहुत सारी अजीब बातों के साथ आएंगे और कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे. तो बहुत बहुत शुक्रिया. मुख्तसर पुरासर.